बेटा तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, मेरे कहने पर दो घूंट चाय पी लो बेटा। मेरा शौहर मुझे छोड़ के चला गया है और आपको चाय बिस्किट की पड़ी हुई है। यहाँ पानी मेरे मेरे हलक से नहीं उतारा है और आप। मेरा बच्चा वो घर छोड़ के थोड़ी गया है, गुस्से से गया है, आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत तरफदारियां करती थी ना आप उन दो चुड़ैलों की, देख ली आपने कैसी जादूगरनियां निकली हैं। देखो बेटा, वसीम पहले मेरा बेटा है फिर तुम्हारा शौहर, मैं भी उसके लिए बहुत परेशान हूँ, लेकिन वो अपनी मर्जी से गया है, आ जाएगा ना। अगर तुम ये चाहती हो ना कि वो जल्दी से घर आ जाए तो उसकी बात मान लो बेटा। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती हूँ, जान छिड़कती हूँ उन पर, लेकिन उनकी इस ब्लैकमेलिंग में मैं नहीं आऊंगी। मैंने अपने पुलिस में जानने वाले से पता किया है, वो कह रहे हैं पापा का आईडी कार्ड या पासपोर्ट हो तो उससे लोकेशन पता कर सकते हैं। अलमारी में उनकी सारी चीजें पड़ी हैं, वॉलेट, उनके क्रेडिट कार्ड, सब कुछ है, कुछ भी लेके नहीं गए, निकाल लो। अल्लाह क्या करेगा मेरा बच्चा, खाली हाथ गया है घर से। आप दोनों परेशान मत हो और मम्मी प्लीज कुछ खाएं पिए, अपना ख्याल रखें। बेटा यही मैं समझा रही हूँ कि कुछ तो खा लो, कम से कम चाय के दो घूंट ही पी लो। तबस्सुम, इस तरह दाल चुनोगी तो रात में खाना तैयार होगा। तबस्सुम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप जैन को स्कूल से ले आए? हाँ, मैं तो जैन को स्कूल से ले आया, लेकिन तुम कौन सी सोच में डूबी हो? आपको पता है अकबर आज ईद वाला सूट पहनकर गए बाहर, और इतना भर भर के परफ्यूम भी लगाया था। इस तरह का तैयार तो वो शादी के शुरू के दिनों में भी नहीं हुआ करते थे। मुझे तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं। एक बात है तबस्सुम, इतना अच्छा मौका ना तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया। तुम अगर यहाँ पे होती ना तो मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि हम दोनों मिलकर अकबर का पीछा करते और देखते कि वो जाता कहाँ है। माँ क्या हो गया आपको? अकबर तो मोटरसाइकिल पर थे और हम पैदल चलते, और हम कौन सी पुलिस वाली हैं जो भागकर पकड़ लेते? देखो बेटा, जब अपने घर को आग लगती है ना तो इंसान उस आग को खुद बुझाने की कोशिश करता है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता। वैसे आप अकबर और शहजादी की शादी के बड़े हक में हुआ करती थी, क्या हो गया आपको? कुछ औरतों का शर इतना खतरनाक होता है कि वो अपने शौहरों को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकती, और उन औरतों में से एक औरत ये शहजादी भी है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ, मैं अपनी इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। चल, देर आए दुरुस्त है, मेरे हक में तो यही बेहतर है ना। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है ना जैन को कितनी भूख लगती है। मैं देख कर आऊँ।